मैं ना हमेशा जिंदगी में एक माइंडसेट लेके चलता हूँ कि जो भी हो रहा है ना, अगर मेरे पैर गड्ढे में भी जा रहे हैं ना, तो वो भी सही अच्छे के लिए हो रहा है। शायद आगे ट्रक मेरे को मार देता तो मेरा गड्ढे में जाना जरूरी था। तो मैं इस माइंडसेट से चलता हूँ कि अगर कुछ हो रहा है तो भी बढ़िया है, अगर कोई प्रोजेक्ट मेरा नहीं हो रहा तो भी बढ़िया है, क्योंकि शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं यही सोचते हुए चलता हूँ भाजी, काम मैंने टचवुड काफ़ी किया है बिग बॉस के बाद भी, और टचवुड मतलब शुक्र है भगवान का, बहुत म्यूजिक वीडियोज़ कर ली, बहुत सारे काम कर लिया, खतरों के खिलाड़ी, नागिन, सब बड़े बड़े शोज़ कर लिए, ऐसी बात नहीं है, फिल्मों के भी ऑफर आते हैं। बट मुझे लगता है जो चीज़ नहीं होती ना, वो भी कुदरती नहीं होती, क्योंकि वो नहीं होनी होती, वो अच्छा होता कि नहीं हो। हम सोचते हैं कि यार काश हो जाती, यार काश मैं सेलेक्ट हो जाता, काश मेरा ये होता, काश मेरा वो होता, बट वो उसको पता ना कि जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, मैं कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर भरोसा रख, बस ये है। तो मैंने हमेशा यही सोच के चलाऊँ जिंदगी में कि यार बस भरोसा है मेरे को ऊपर वाले पे, सौंप दिया अपने आप को कि अगर कुछ हो रहा है तो भी अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा तो भी। अब इससे पहले भी मैं एक शो में लॉक हो गया था, बट बात नहीं बनी, तो मैं सोचता था कि यार क्या है यार, मतलब कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें हो जाती तो बन जाती बात, अच्छा हो जाता, बढ़िया हो जाता। लेकिन ना मेरे को उस शो को लेकर दिमाग में डाउट था, फिर ये आ गया। अब इसमें मैं बिल्कुल डाउटफुल नहीं था, मुझे लगा कि कैरेक्टर अच्छा है, बढ़िया, एकदम फन है, ये करना है। तो मैंने सोचा कि यार मैं उसके लिए क्यों परेशान हूँ भाई, जब मुझे मिल रहा है, ऊपर वाला सबको सब कुछ देता है, अपने हिसाब से देता है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। मैं ना हमेशा जिंदगी में एक माइंडसेट लेके चलता हूँ कि जो भी हो रहा है ना, अगर मेरे पैर गड्ढे में भी जा रहे हैं ना, तो वो भी सही अच्छे के लिए हो रहा है। शायद आगे ट्रक मेरे को मार देता तो मेरा गड्ढे में जाना जरूरी था। तो मैं इस माइंडसेट से चलता हूँ कि अगर कुछ हो रहा है तो भी बढ़िया है, अगर कोई प्रोजेक्ट मेरा नहीं हो रहा तो भी बढ़िया है, क्योंकि शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं यही सोचते हुए चलता हूँ भाजी, काम मैंने टचवुड काफ़ी किया है बिग बॉस के बाद भी, और टचवुड मतलब शुक्र है भगवान का, बहुत म्यूजिक वीडियोज़ कर ली, बहुत सारे काम कर लिया, खतरों के खिलाड़ी, नागिन, सब बड़े बड़े शोज़ कर लिए, ऐसी बात नहीं है, फिल्मों के भी ऑफर आते हैं। बट मुझे लगता है जो चीज़ नहीं होती ना, वो भी कुदरती नहीं होती, क्योंकि वो नहीं होनी होती, वो अच्छा होता कि नहीं हो। हम सोचते हैं कि यार काश हो जाती, यार काश मैं सेलेक्ट हो जाता, काश मेरा ये होता, काश मेरा वो होता, बट वो उसको पता ना कि जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, मैं कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर भरोसा रख, बस ये है। तो मैंने हमेशा यही सोच के चलाऊँ जिंदगी में कि यार बस भरोसा है मेरे को ऊपर वाले पे, सौंप दिया अपने आप को कि अगर कुछ हो रहा है तो भी अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा तो भी। अब इससे पहले भी मैं एक शो में लॉक हो गया था, बट बात नहीं बनी, तो मैं सोचता था कि यार क्या यार, मतलब कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें हो जाती तो बन जाती बात, अच्छा हो जाता, बढ़िया हो जाता। लेकिन ना मेरे को उस शो को लेकर दिमाग में डाउट था, फिर ये आ गया। अब इसमें मैं बिल्कुल डाउटफुल नहीं था, मुझे लगा कि कैरेक्टर अच्छा है, बढ़िया, एकदम फन है, ये करना है। तो मैंने सोचा कि यार मैं उसके लिए क्यों परेशान हूँ भाई, जब मुझे मिल रहा है, ऊपर वाला सबको सब कुछ देता है, अपने हिसाब से देता है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। मैं ना हमेशा ज़िंदगी में एक माइंडसेट लेके चलता हूँ कि जो भी हो रहा है ना, अगर मेरे पैर गड्ढे में भी जा रहे हैं ना, तो वो भी सही अच्छे के लिए हो रहा है। शायद आगे ट्रक मेरे को मार देता तो मेरा गड्ढे में जाना जरूरी था। तो मैं इस माइंडसेट से चलता हूँ कि अगर कुछ हो रहा है तो भी बढ़िया है, अगर कोई प्रोजेक्ट मेरा नहीं हो रहा तो भी बढ़िया है, क्योंकि शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं यही सोचते हुए चलता हूँ भाजी, काम मैंने टचवुड काफ़ी किया है बिग बॉस के बाद भी, और टचवुड मतलब शुक्र है भगवान का, बहुत म्यूजिक वीडियोज़ कर ली, बहुत सारे काम कर लिया, खतरों के खिलाड़ी, नागिन, सब बड़े बड़े शोज़ कर लिए, ऐसी बात नहीं है, फिल्मों के भी ऑफर आते हैं। बट मुझे लगता है जो चीज़ नहीं होती ना, वो भी कुदरती नहीं होती, क्योंकि वो नहीं होनी होती, वो अच्छा होता कि नहीं हो। हम सोचते हैं कि यार काश हो जाती, यार काश मैं सेलेक्ट हो जाता, काश मेरा ये होता, काश मेरा वो होता, बट वो उसको पता ना कि जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, मैं कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर भरोसा रख, बस ये है। तो मैंने हमेशा यही सोच के चलाऊँ जिंदगी में कि यार बस भरोसा है मेरे को ऊपर वाले पे, सौंप दिया अपने आप को कि अगर कुछ हो रहा है तो भी अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा तो भी। अब इससे पहले भी मैं एक शो में लॉक हो गया था, बट बात नहीं बनी, तो मैं सोचता था कि यार क्या यार, मतलब कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें हो जाती तो बन जाती बात, अच्छा हो जाता, बढ़िया हो जाता। लेकिन ना मेरे को उस शो को लेकर दिमाग में डाउट था, फिर ये आ गया। अब इसमें मैं बिल्कुल डाउटफुल नहीं था, मुझे लगा कि कैरेक्टर अच्छा है, बढ़िया, एकदम फन है, ये करना है। तो मैंने सोचा कि यार मैं उसके लिए क्यों परेशान हूँ भाई, जब मुझे मिल रहा है, ऊपर वाला सबको सब कुछ देता है, अपने हिसाब से देता है, बिल्कुल बढ़िया एकदम।